हाय फ्रेंड, मंजुला टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं नए तरीके से अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। चलिए फ्रेंड, हम अपना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे। मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर चम्मच की सहायता से मैंने एक बैटर तैयार कर लिया है। बैटर आप ज़्यादा थिक भी ना रखें, ज़्यादा पतला भी ना रखें। अब जैसे पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से इस बैटर को भी अच्छे से फेंट लें। जब भी मैं फास्टिंग रखती हूँ उसके दूसरे दिन मैं ये सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे खट्टा सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। आप चाहो तो बेसन की जगह उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, उड़द दाल में भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पत्ते पर बेसन लगा लिया है। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी को हम इड़हर कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जिस तरीके से शादी पार्टियों में रायता बनने का रिवाज है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में पुराने ज़माने में अरबी के पत्तों की खट्टी वाली सब्ज़ी बनाई जाती थी। इस तरीके से आप सभी पत्तों में 1 बाई 1 करके बेसन लगा लें। बचपन में जब हमारे घर पर मेहमान आते तो मम्मी ये सब्ज़ी ज़रूर बनाती थी, तब मैं ये सब्ज़ी नहीं खाती क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे फिश की तरह दिखती थी। फिर किसी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि नहीं, ये फीस नहीं है, ये अरबी के पत्तों से बनाया जाता है, तुम इसे खा सकती हो। तब से मैं ये सब्ज़ी खाती हूँ। आप देख सकते हैं पत्तों पे मैंने कैसे बेसन लगाया है ताकि वो अच्छे से रोल हो जाए। इस तरीके से आप पत्तों को अच्छे से रोल कर लें। सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे पत्ते पर भी बेसन लगा लिया है और उसे अच्छे तरीके से रोल कर लिया है। रोल किए हुए पत्तों को हम 10 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टीम स्टैंड नहीं है तो आप इडली मेकर में भी कर सकती हैं। जब तक पत्ते स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं अपना बाकी का तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं इस सब्ज़ी को दही के साथ बनाने वाली हूँ, तो दही के साथ मैंने इसमें टमाटर भी डाला है। मैंने जार में 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 1 कटोरी दही डाल लिया है। मैं इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने लहसुन की 8-10 कलियों का पेस्ट बना लिया है और मैंने इस सब्ज़ी के लिए 1 बड़ा प्याज लिया है, जिसे इस तरीके से पतला पतला लंबा कट कर लिया है। कढ़ाई मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, तो अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच ऑयल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों के अच्छे से फूटने के बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को मैं हल्का सुनहरा होते तक पकाऊँगी, फिर उसमें मैं डालूँगी करी पत्ता, फिर इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हल्दी मिर्च डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर पका लें। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जिंजर पेस्ट और इसे थोड़ी देर पका लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी दही और टमाटर की प्यूरी। इसे आप थोड़ी देर अच्छे से चलाएं ताकि दही फटने की तरह ना हो। अब मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक कर पकाऊँगी। चलिए फ्रेंड, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पत्ते स्टीम हुए कि नहीं। पत्ते तो अच्छे से पक गए हैं, अब हम उसे स्टीम से निकाल कर पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से पीसेस में कट करने के बाद मैं इसे पैन में फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं पीसेस में कैसे पत्तों की लेयर दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अपना पैन भी गर्म कर लिया है, अब उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल को मैंने पैन में चारों तरफ फैला लिया है। अब मैं इसमें स्टीम किए हुए पीसेस को फ्राई करूंगी। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे डीप फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, तो मैंने इसे नॉर्मली फ्राई कर लिया है। इस तरह आप पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लें। पीसेस के फ्राई होने के बाद मैं देख लेती हूँ कि मेरी सब्ज़ी की प्यूरी अच्छे से पकी कि नहीं। दही और टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पका लें जब तक कि ये तेल ना छोड़े। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से उबलने दें और इसमें 1-2 उबाल आ जाए तो सारी फ्राई की हुई पीसेस को आप डाल दें। इस सब्ज़ी की ग्रेवी ज़्यादा सूखी ना रखें क्योंकि सारी पीसेस ग्रेवी को सोख लेती है। और सब्ज़ी बनने के बाद लास्ट में इसमें बारीक धनिया काट कर डाल लें। तो चलिए फ्रेंड, मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी प्लेटिंग। और इस सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म राइस के साथ खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।